हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ब्लाउज डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ब्लाउज की लंबाई ली है 13.5 इंच, शोल्डर 6 इंच, आर्म होल 6 इंच, सीना 10 एंड कमर के लिए 9 इंच लिया है। सबसे पहले हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच एंड गले की लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगाया है। एक बॉक्स बनाकर हम नीचे की साइड कुछ इस तरीके से गले को शेप दे देंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड हमें 1 इंच का चौड़ाई देना है। इस तरीके से ऊपर हमारा गला 2.5 इंच ही रहेगा एंड नीचे की तरफ से मैंने 1 इंच पे और चौड़ा कर दिया है। अस्तर के नीचे मैंने मेन फैब्रिक रखा हुआ है और अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर हमें अस्तर को रख के एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। और इसे पलट लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक सिलाई और लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। यहाँ पर मैंने एक पार्ट रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ही फैब्रिक का टुकड़ा लिया हुआ है, इसकी लंबाई रखी है मैंने 6 इंच एंड चौड़ाई के लिए 4 इंच रखा है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों लिए हुए हैं। इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे। फिनिशिंग के लिए हम इसमें ऊपर से फिर से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये फिर से फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई रखी है मैंने 6.5 इंच एंड चौड़ाई 4 इंच रखी है। और अब हम इसे इस तरीके से पलटते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पीस में भी सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी पलट लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है, ये 2 इंच चौड़ाई है और अब हम इसे दोनों तरफ से पलटते हुए कुछ इस तरीके से बेल्ट रेडी कर लेंगे। ये जो मैंने रेड कलर के कपड़े में स्टिचिंग लगाई थी, इसे हम इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट से डालेंगे और इस बेल्ट से कुछ इस तरीके से बांधते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दोनों को रेडी कर लेंगे और ये जो मैंने पहले कपड़े में सिलाई लगाई थी, इसके ऊपर हम दोनों को रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ा कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हमें पलटना है और इसके बाद एक
बार और पलट के हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम रेड कलर के कपड़े की पट्टी में भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इनसे 2 इंच के टुकड़ों में कट कर लेंगे दोनों पट्टियों को। तो यहाँ पर मैंने सभी पट्टियों को 2 इंच के टुकड़े में कट कर लिया है। इसके बाद हम ब्लाउज लेंगे और इसमें ऊपर के साइड से हम सबसे पहले रेड पट्टी को रखेंगे इस तरीके से, एंड इसके बाद हमें ब्राउन कलर की पट्टी को रखना है और इसमें सिलाई लगाते आना है। कुछ इस तरीके से हमें पट्टी को लूप बनाते हुए इसमें रखते जाना है। कुछ इस तरीके से हमें इसमें यहाँ तक लूप को अटैच कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी लूप को अटैच कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये रेड कलर की डोरी ली हुई है और अब इस डोरी को हम लूप में कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फंसा देंगे। तो यहाँ पर मैंने डोरी को इसमें इस तरीके से फंसा दिया है और अब हम इसमें एक स्टिच लगा देंगे ताकि हमारी डोरी निकले ना। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी डोरी को लगा देंगे। इसके बाद गले के किनारे किनारे हमें इसमें लेस को लगा लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी लेस को लगा लेंगे। इसके बाद ये जो मैंने इस तरीके से पैच रेडी किया था हम इसे रखेंगे और पिन से टक कर लेंगे और अब हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा लेना है हमें। सिलाई लगाने के बाद हम पिन को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ब्लाउज बनके रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।